एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग इन माय चैनल रूपाली रथ ब्लॉग्स। और मैं हूँ रूपाली, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली रथ ब्लॉग्स और मुझे सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुबह का नाश्ता बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए, ये चॉपर में मैं प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा चॉप कर रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड एंड ऑमलेट। तो प्याज को मैं चॉप करूँगी, फिर उसके बाद ब्रेड ऑमलेट की तैयारी करूँगी। तो देखिए क्या बनाती हूँ मैं नाश्ते में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अंडे ले लिया है, उसमें जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के रखा था उसको मैं मिला रही हूँ, फिर उसकी मैं ऑमलेट की तैयारी करूँगी। ये मेरी सुबह का नाश्ता है आज का, ब्रेड और ऑमलेट। देखिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने, और फिर जो हमने अंडे को डालेंगे। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट नाश्ता है। तो आज फ्राइडे है इसलिए मैंने बनाया है। रोज़ रोज़ तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही खाते हैं। तो देखिए अभी मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। और आप किस किस को ब्रेड ऑमलेट पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए अभी मेरे ऑमलेट भी लगभग
हो गया है। तो आप सब लोग का नाश्ते में क्या क्या लिया आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी तरह से नए नए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। देखिए मैं आमलेट बना रही हूँ, उसके बाद मैंने ब्रेड को सेक के रख लिया है। आप लोगों ने तो देख लिया है मैंने ब्रेड को सेक के रख लिया है। तो ये है सुबह का नाश्ता। अभी देखिए मेरे ब्रेड और ऑमलेट बन के तैयार है, ये आप सब लोगों के लिए। आइए हमारे साथ नाश्ता करिए। और किस किस को पसंद है, जो वेजिटेरियन है उनको तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए आइए मेरे साथ नाश्ता करिए, कैसा लगा बताइए, घर पर ट्राई करिए। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए तो फ्रेंड्स, अब मैं आगे लंच की तैयारी करने के लिए, आज मैं लंच में बना रही हूँ चिकन मंचूरियन। इससे पहले मैं चिकन को मैरिनेट किया है, अदरक लहसुन की पेस्ट डाला है इसमें, नमक, थोड़ा चिकन मसाला और नींबू, कॉर्नफ्लोर तो डाला है, उसको मिला के मैंने अच्छे से पेस्ट बना दिया है। जीरा पाउडर, गरम मसाला भी थोड़ा थोड़ा डाला है इसमें मैंने। तो यहाँ देखिए मंचूरियन के लिए मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, कैप्सिकम को भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है, फिर यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। मैंने चॉपर से ही काटा है इसलिए बहुत फाइन चॉप हुआ है आज। और उसकी साइड में आप देख रहे हो टमाटो, थोड़ा टमाटो भी मैं डालूँगी, मुझे पसंद है, जिनको नहीं पसंद है वो नहीं डाले। देखिए टमाटो को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, मैंने साइड में रख लिया है। थोड़ा सा चिकन मसाला भी मैंने लिया है, इस ये मंचूरियन की तैयारी है। तो पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, इसके पकौड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद मंचूरियन की तैयारी करेंगे। देखिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल ऑयल गर्म हो चुका है, जो मैरिनेट करके मैंने एक घंटा मैरिनेट करके रख दिया था, उसमें थोड़ा मैंने अंडा भी डाला है, मैं बताना भूल गई। देखिए अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, एक एक करके मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए अब मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, फिर उसके बाद मैंने जो लहसुन और हरी मिर्च को काट के रखा था छोटा छोटा बारीक हुआ, उसको मैंने डाल दिया है, उसको थोड़ा मैं भूनूंगी। फिर उसके बाद में जो प्याज और कैप्सिकम को डाला था उसको भी डालेंगे। देखिए इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा टाइम, थोड़ा सा भूनेंगे हम इसको। उसके बाद जो प्याज मैंने बारीक बारीक करके काट के रखा था उसको भी डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे अच्छे से। ये मैं मंचूरियन की तैयारी कर रही हूँ ग्रेवी की। देखिए प्याज को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भुनेंगे, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भुनेंगे। देखिए प्याज को भी मैंने भून लिया है, आप इसी तरह से या कोई दूसरी प्रोसेस से भी बना सकते हो। अच्छे से भुनेंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, तभी जाके ग्रेवी में टेस्ट आएगा।
प्याज भून के हो चुका है, फिर उसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। जो कैप्सिकम को मैंने बारीक बारीक काटा था उसको हम डाल देंगे और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद उसमें मसाले सारे ऐड करेंगे और टमाटो भी ऐड करेंगे। टमाटो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो ऐड नहीं करिए। मुझे टमाटो थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए इसे अच्छे तरह से भूनेंगे। उसके बाद ना इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उससे कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो ये भून के हो गया है। नमक ये सब डाल देंगे इसको। टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा था उसको भी डाल दिया है। उसके बाद सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, चिकन मसाला, कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी डाल के मिला के उसमें डाल देंगे तो ग्रेवी बहुत थिक रहता है। देखिए मैंने सारे डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी मिक्स करके डाल दिया है उसको। उसके बाद चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा था उसको भी मैंने डाल दिया है। देखिए मंचूरियन की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा ड्राई ड्राई नहीं रहेगा। ये मंचूरियन है तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए तो ऐसे ही रहना चाहिए, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको राइस, रोटी या पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, यम्मी रहता है और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है खाने में। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में और मुझे मेरे साथ शेयर करिएगा कैसा लगा आपको। तो ये मेरा चिकन मंचूरियन बन के तैयार है, इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। ये जो कलर है मैंने कोई कलर का यूज़ नहीं किया है, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर का है। देखिए मेरी चिकन मंचूरियन बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अच्छे से नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।